प्रदेश में आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव की जहां राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, वहीं हम आपको बता दें लगातार राजनीतिक जगत में भी राजनीतिक पार्टियों का दमखम बढ़ता जा रहा है और वहीं पर आम जनता के सेवक अपनी बढ़ चढ़कर दावेदारी भी करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू रामपाल। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वह जो अपना छठवां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मनाने वाले हैं, आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य है और किस तरीके से उनकी राजनीतिक पार्टी का सफ़र रहा है और 6 साल हो चुके हैं और किस वजह से उन्होंने पार्टी बनाई थी। इतनी राजनीतिक पार्टी होने के बाद बावजूद आखिरकार क्यों उन्हें पार्टी बनानी पड़ी। बाबू रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो ये आप छठवां स्थापना दिवस मना रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी सारी राजनीति जगत में पार्टियां हैं और सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता से वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य है पार्टी बनाने का? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके हंगामा टाइम्स न्यूज के माध्यम से सभी जनता जनार्दन का मैं अभिवादन करता हूँ और आपके हंगामा टाइम्स न्यूज के सभी सहकर्मियों का ही मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप संघर्षवादी जो पार्टियाँ हैं, जो नेता हैं, इनकी बात जन जन तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज राष्ट्रीय पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को अपना छठवां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जैसा कि आपने भी कहा, तो समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद बच्चे को यूकेजी केजी के में पढ़ने के बाद पहली कक्षा में एडमिशन होता है, तो राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी का जैसे ही जन्म हुआ बहुत ही तेज गति के साथ बढ़ी पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, सब संघर्षवादी लोग हैं, साधारण लोग हैं और दिन रात मेहनत करके पार्टी को खास करके उत्तर प्रदेश के जन जन तक, घर घर तक पहुँचाए। और जैसे जो दौर है आज का संगठन से गठबंधन का, तो हम गठबंधन में भी रहे 2022 के चुनाव में बड़ी तेजी के साथ राजनीति में चर्चा हुई राष्ट्रीय पार्टी की। फिर अभी जो है 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम गठबंधन और संगठन को मजबूत करते रहे, जिसकी चर्चा रही। और हमारा ऐसा मानना है, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी आज उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में सम्मिलित हो चुकी पार्टी है और अभी छठा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से हम फतेहपुर जनपद में राष्ट्रीय पार्टी मनाने जा रही है और बड़े ही धूमधाम के साथ यह कार्यक्रम मनाएगी स्थापना दिवस। चूँकि पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग हमारे राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो संघर्षवादी सिपाही हैं, वो अपनी व्यवस्था से, अपने साधन से, अपने सुविधा से, जो जिस भी हालात में होगा वहाँ पहुँचेगा और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यह देखने के लिए आप सभी को मिलेगा। और रही बात कि तमाम पार्टियाँ हैं उसके बावजूद भी राष्ट्रीय पार्टी क्यों जी, चूँकि हम नोट करते हैं और देखे हैं कई सालों से जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टी धर्म के नाम पे लोगों को डराती है और गुमराह करती है कि भाई आप एक हो जाओ और नहीं तो आप काटे जाओगे, आप मारे जाओगे, तो ये डरा करके राजनीति करती हैं। और बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो कि 85% के नाम पे डरा करके कि भाई आप पीडीए कह सकते हैं, सबसे बड़ा धोखा आज पीडीए है कि पीडीए एक हो जाओ नहीं तो अमुक अमुक लोग आपका हिस्सा खाएंगे, आपको परेशान करेंगे, यहाँ से डरवाते हैं। और भी कुछ जातियाँ हैं जो परिवार तक ही सीमित हैं, तो इनका अपना एक तरीका है। तो पार्टी खास करके बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपकी लड़ाई आपको ही लड़ना है, आपके सुख दुख में कोई भी पार्टी, चाहे धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हूँ, चाहे 85% के नाम पर राजनीति कर रही हूँ, या आपकी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जब अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और कमजोर वर्ग के साथ अत्याचार अन्याय होता है, तो बेचारे और उनके समाज के लोग
जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं या जब जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए जिला मुख्यालय पर जाते हों या एसपी ऑफिस के यहाँ जाते हों, तो इनके रिश्तेदार और परिवार और कुछ समाज के लोग होते हैं, उसमें एक आध राजनीतिक पार्टी के लोग पहुँचते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और यह कहते हैं भाई इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जबकि वो लड़ाई नहीं लड़ते, केवल राजनीति करते हैं। अगर सच में अगर गरीब और कमज़ोर और शोषित वंचित की लड़ाई अगर सच में बड़ी पार्टियां अगर लड़ती तो आज इनके साथ अत्याचार अन्याय नहीं होता जी। इसलिए सभी समाज के लोगों को, चूँकि समाज यानी जो जाति है, हमारे देश की यह सच्चाई है, जब जाति से आरक्षण, जाति से संरक्षण, जाति से सम्मान, जाति से सारी व्यवस्थाएँ आपके देश में योजनाएँ तक लागू होती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हर जाति के लोगों को अपने राजनीतिक दल बना करके आगे आना चाहिए। असफलता का दौर चल रहा है संगठन से गठबंधन का, सफलता आप सच्ची लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक, तो बाबू रामपाल जी, जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि पार्टी आपने क्यों बनाई और कहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को देखते हैं टॉप 10 में, जहाँ आपकी पार्टी लगातार जो है 6 वर्षों से जो आरक्षण और अन्य वर्गों की लड़ाई लड़ रही है दबे कुचलों की, तो किस तरीके से ये आरक्षण क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहां तक के और किस हद तक के जाने वाली है? देखिए, अगर सही मामले में संविधान न्याय संगत बनाना है तो आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि आज 78 साल देश को आज़ाद होने के बाद ऐसे तमाम ऐसे वर्ग हैं या तमाम जाति के लोग हैं जो आरक्षण का विशेष लाभ लेकर के आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक सांसद मंत्री बन चुके, तमाम उद्योगपति हो चुके हैं, डीएम और एसपी तक हो चुके हैं, और उन्हीं के कैटेगरी में आने वाला ऐसा तमाम ऐसा परिवार है जो कि आज मुख्य धारा से पूरी तरह वंचित है। इसलिए आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर बहुत जरूरी है। इस लड़ाई को राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और आगे तक लड़ती रहेगी। क्योंकि अभी मैं 3-4 दिन पहले दिल्ली कनॉट पैलेस पे था, भैया जी कहीं का कार्यक्रम चल रहा था, देखा तो वहाँ पे कुछ जाटो समाज के लोग थे, उन लोगों ने जो है अपना वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का SC ST में जो उसका विरोध किए, लेकिन वहाँ पर जो जनता थी और खास करके वहाँ बासपोर समाज के लोग थे और भी था, उन्होंने विरोध किया, भाई आप लोगों ने 78 साल में SC ST का सारा हिस्सा आप लोगों ने खाया है, अब कम से कम कमज़ोर लोगों को मिलने दीजिए। तो वह भाई ने कहा कि भाई आपको किसने रोका है, आप पढ़िए लिखिए। भाई यही सवाल तो फिर आप पे भी लागू होता है, हर व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन आरक्षण इसलिए बना है संविधान में कि वह कमज़ोर तबके को, कमज़ोर लोगों को विशेष अवसर मिले वो मुख्य धारा में आए। इसलिए जो है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण ये बहुत ज़रूरी है, यह लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी के, जिनसे हमने बात किया, जहाँ 6वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में मना रहे हैं और वहीं पर हमने उनकी उत्तर प्रदेश में पार्टी किस स्थान पर है उनसे ये सवाल भी किए। लगातार राजनीतिक संगठन जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं और सभी नेता आम जनता की लड़ाई लड़ने का प्रयास भी करते हैं, तो वहीं पर आरक्षण और वर्गीकरण को लेकर के भी हमने उनसे सवाल पूछे। अब देखने वाली बात यह है कि ये 6वां स्थापना दिवस जिस तरीके से राष्ट्रोदय पार्टी मनाने जा रही है, उसके बाद क्या आंदोलन उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव में होता है। अब देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।